भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला कर दिया है और तकरीबन 4 महीने का वक्त बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा कराने या एक्सचेंज कराने का दिया है। साथ ही एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक ही जमा या एक्सचेंज कराए जाने की बात भी कही है। रिजर्व बैंक की माने तो 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को जारी किया था। 2000 रुपए के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को लाया गया था। 2000 रुपए के नोट लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था, इसलिए 2000 रुपए के बैंक नोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थी। और अब आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक की माने तो 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। रिजर्व बैंक की माने तो 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। आरबीआई की माने तो देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में वर्ष 2017 और 18 के दौरान रहा। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थी। इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपए था। साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास नोट बदलवाने के लिए 4 महीने का समय है। ये दूसरी नोटबंदी नहीं है, इसलिए आपको घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।